ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में वे राष्ट्रमंडल खेलों में इस समय बैडमिंटन में पुरुषों के सिंगल्स में स्वर्ण पदक के लिए किदांबी श्रीकांत का मुकाबला मलेशिया के ली चोंगवेई से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों खिलाड़ियों ने एक एक गेम जीत लिया था। वे राष्ट्रमंडल खेलों के 11वें और अंतिम दिन साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में महिला सिंगल्स का स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में साइना ने अपने ही देश की पीवी सिंधु को रोमांचक मुकाबले में 2-1, 1-8, 2-3, 2-1 से पराजित किया। इसके साथ ही साइना राष्ट्रमंडल खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है। साइना ने 2010 में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में भी महिला सिंगल्स का स्वर्ण पदक जीता था। सिंधु को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुषों के डबल्स फाइनल में सात्विक साई राज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंग्लैंड के मार्कस सेलियस और क्रिस लैंगरेज की जोड़ी से होगा। इससे पहले मणिका बत्रा और जी साथियान की जोड़ी ने भारत को टेबल टेनिस में कांस्य पदक दिलाया। मणिका और साथियान की जोड़ी ने अपने ही देश की मोमा दास और अचंत शरत कमल की जोड़ी को लगातार गेम में 11-2, 6, 11-2, 2, 11-2, 4 से हराकर यह पदक हासिल किया। भारत को टेबल टेनिस में अब तक 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक मिल चुके हैं। स्क्वाश में महिला डबल्स फाइनल में जोशना चिनप्पा और दीपिका पल्लीकल की जोड़ी का मुकाबला जोएल किंग और अमांडा मर्फी की जोड़ी से हो रहा है। इसके साथ ही आज वे राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा।